बीमारी जिसे कि ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये बीमारी एक साइलेंट किलर है जो किसी भी तरह के साइन या सिम्टम्स कि कोई कह रहा मुझे हड्डी में दर्द हो रहा है या मुझे कमर में दर्द हो रहा है उसका इससे कोई संबंध नहीं। ये एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसको पेशेंट आता है और कहता है सर मेरी अचानक पीठ टूट गई या कभी मैं जोर से कोई चीज़ पकड़ी और वो उसमें क्रैक आ गया, या पेशेंट सिर्फ पाँव में दर्द और सूजन की शिकायत लेके आता है और पता चलता है कि उसको एक्सरे करने पे के फ्रैक्चर। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। उसमें हड्डी का जो मिनरलाइजेशन होता है, हड्डी के अंदर कई तत्व होते हैं, खाली कैल्शियम नहीं होता है, इसलिए इसको इस बीमारी को किसी भी ब्लड टेस्ट से मैया आप मालूम कर सकते हो। इसको किसी भी ब्लड टेस्ट से नहीं इसका डायग्नोसिस होता है, इसका डायग्नोसिस सिर्फ बीएमडी या टेक्सा से होता है। इसलिए इस बीमारी के अंदर पेशेंट बहुत से ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। मैंने कई कैंप्स किए, आर्मी हॉस्पिटल्स में किए, सिविल पीपल में किए, स्पोर्ट्समैन में किए, मैंने नतीजा निकाला हंड्रेड्स ऑफ केसेस में किए, उसमें मैंने ये नतीजा निकाला कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर मरीज की फिजिकल एक्टिविटी और उसका खान पान इन दोनों को मिला करके हड्डियों की मजबूती, तो जिससे हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों की मजबूती का सवाल है, न कि हड्डियों में कैल्शियम कितना है। आपका ब्लड कैल्शियम नॉर्मल आएगा पर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि इंसान के मेरा कैल्शियम तो बिल्कुल सही आ रहा है रिपोर्ट के अंदर, नहीं, आपका बीएमडी क्या है या डेक्सा क्या है वो क्या बता रहा है, वो भी आपको डिफरेंट जॉइंट्स में करना पड़ेगा, हिप का करो, स्पाइन का करो, डिफरेंट रीजंस का करके फिर आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो 2.2 तक नॉर्मल होता है, उसके बाद जो होता है ऑस्टियोपेनिक होता है, उससे आगे और ऑस्टियोपोरोसिस होता है।